नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 13 मई से खुल जाएंगे सभी स्कूल। झारखंड में 13 मई से सभी स्कूल अपने पुराने समय पर संचालित होगी। इसको लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मौसम परिवर्तन को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है। आदेश में कहा गया है कि झारखंड राज्य में संचालित सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं सभी निजी विद्यालय में कक्षा केजी से ऊपर की कक्षाएं 13 मई से अपने पूर्व निर्धारित समय पर संचालित किए जाएंगे। बता दें, 29 अप्रैल से राज्य में अत्यधिक गर्मी एवं लू के कारण राज्य में संचालित सभी विद्यालयों में कक्षा केजी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित करने का दिशा निर्देश जारी किया गया था। हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को अप्रासंगिक बताते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की अदालत ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला नहीं आने का मामला उठाया था। अब हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, इस कारण याचिका अब प्रभावहीन हो गई है और इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने याचिका निष्पादित करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट की गिरफ्तारी को सही बताए जाने के आदेश के खिलाफ भी एसएलपी दायर की है। इस एसएलपी पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन अपनी अन्य दलील रख सकते हैं। हेमंत सोरेन ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इस याचिका पर हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। आलमगीर के पीए संजीव लाल सस्पेंड। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी द्वारा गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम के आपस सचिव सह झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव कुमार लाल को सस्पेंड कर दिया गया है। इस संदर्भ में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है। संजीव कुमार लाल को न्यायिक हिरासत में ली गई तिथि यानी 7 मई से ही सस्पेंड किया गया है। बता दें, पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को 8 मई को उन्हें 6 दिन के रिमांड पर लेने का निर्देश दिया था। संजीव लाल संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग मंत्री आलमगीर आलम के आपस सचिव के पद पर कार्यरत थे। कार्मिक विभाग की सूचना के मुताबिक कारावास से मुक्त होने के बाद संजीव कुमार लाल कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देंगे। बसंत सोरेन बोले, सीता भाभी परिवार में लौटना चाहती है। दुमका के खुजुरिया स्थित शिवू सोरेन के आवास में मंत्री बसंत सोरेन व झामो छोड़ भाजपा में शामिल हुए भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के बीच गुरुवार को हुई एक मुलाकात के बाद दोनों आमने सामने आ गए हैं। शुक्रवार को दुमका समन्वय परिसर में झामो प्रत्याशी नलिन सोरेन के नामांकन के बाद मंत्री बसंत सोरेन ने मीडियाकर्मियों ने बात करने का प्रयास किया। मीडियाकर्मियों द्वारा यह पूछे जाने के बाद कि झामो छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन गुरुवार को खिजुरिया स्थित आवास गई थी, जहां आपसे मुलाकात भी हुई, क्या कुछ बातें हुई? इस पर मंत्री बसंत सोरेन ने कहा है कि भाभी सीता सोरेन मोदी परिवार में गई थी, पर अब उनका भ्रम टूट गया है, अब वह सोरेन परिवार में आना चाहती है। यह पूछे जाने पर सीता सोरेन ने तो दुमका लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर दिया है, ऐसे में मोदी परिवार को फिर से छोड़ सोरेन परिवार में कैसे शामिल होंगी? उन्होंने कहा, 17 तारीख का इंतजार करें, सब पता चल जाएगा। सीता सोरेन बोली, बसंत खुद भाजपा में आना चाहते हैं। मंत्री बसंत सोरेन के दिए बयान के बाद भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस बात से इनकार किया है कि वह झामो परिवार में पुनः जाना चाहती है। दुमका गोशाला रोड में अपने अस्थायी आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बसंत सोरेन ने मेरे बारे में जो बयान दिया है वह सब बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि मैं जब कल अपने खिजुरिया आवास पर गई थी तो वहां बसंत सोरेन ने मुझे भाजपा में शामिल होने और यहां मुझे मिल रहे सम्मान को लेकर बधाई दी थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे लिए भी आप भारतीय जनता पार्टी में कोई बेहतर स्थान देखे। सीता सोरेन ने कहा है कि बसंत सोरेन इन दिनों झामो में जो चल रहा है उससे परेशान है। जब से कल्पना सोरेन पार्टी में सक्रिय हुई है वह अपने आप को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। हेमंत सोरेन शेर हैं तो उनकी सेना सावा शेर, कल्पना सोरेन। दुमका और साहेबगंज में शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा की। इसमें उन्होंने कहा है कि दुमका ने ही हेमंत सोरेन व बसंत सोरेन को विधानसभा भेजने का काम किया था।
हेमंत सोरेन शेर हैं, उनका लुक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हेमंत सोरेन शेर हैं तो उनकी सेना सावा शेर है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया, इसका जवाब आप लोगों को देना है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर उन्होंने कहा है कि तानाशाही ताकतों को यह दिखाना है कि देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार ही चलेगा। भ्रष्टाचार में जेएमएम और कांग्रेस के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी आदिवासी गरीबों के लिए जो भेजते हैं उस पर कांग्रेस और झामो हाउ खाउ का काम करते हैं। मोदी जो मुफ्त राशन भेजते हैं यह बेच देते हैं। भ्रष्टाचार में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच प्रतिस्पर्धा है। इनके राज्य में 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 300 करोड़ का जमीन घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, 40 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। अमित शाह शुक्रवार को कचहरी मैदान खुट्टी में भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के महाविजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा है कि PFI पूरे देश में आतंकवाद फैलाता था, इसको सबसे बड़ा समर्थन यहाँ कांग्रेस और जेएमएम की सरकार से मिलता था। प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 100 से ज़्यादा स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाकर PFI के पूरे कैडर को जेल में डाला और उसे बैन करने का काम किया है। दिल्ली के सीएम को जमानत मिलने पर हेमंत सोरेन की पत्नी ने केंद्र पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतिम जमानत दे दी है। ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए चुनौती दी थी और इसी याचिका पर अदालत ने सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल को शुक्रवार को अंतिम जमानत दे दी है। सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार को बधाई दी है। कल्पना ने हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तानाशाह ताकतों को यह दिखाना है कि देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार ही चलेगा। पीएम मोदी 11 मई को झारखंड दौरे पर, चतरा में भरेंगे हुंकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 11 मई को झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया आएंगे। वे मुरवे मैदान में 4 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार सिमरिया की धरती पर आ रहे हैं। चुनावी सभा को लेकर विशेष तैयारी की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी चतरा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बता दें पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर पूरे मैदान की बैरिकेडिंग की गई है, विभिन्न प्रवेश द्वारों को व्यवस्थित किया गया है। मैदान में एक भव्य मंच व पंडाल का निर्माण किया गया है जहां चतरा, हजारीबाग, पलामू, कोडरमा संसदीय क्षेत्र से काफ़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। लगभग 2 लाख लोगों के पहुँचने की उम्मीद है। मंच के सामने एक विशाल पंडाल लगाया गया है जहाँ आम लोग बैठ कर उनका संबोधन सुनेंगे। स्कूली बच्चों को 5 जून से मिलेगा पाठ्य पुस्तक। नए सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 12वीं तक पाठ्य पुस्तकों का वितरण 5 जून से मिलना प्रारंभ होगा। इसको लेकर JCERT के निदेशक आदित्य रंजन ने जिला को पत्र भेजा है और कहा है कि समग्र शिक्षा अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक व राज्य सरकार की योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक नामांकित सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय तक पहुँचाना है और उन्हें छात्रों के बीच वितरण किया जाना है। पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति की अंतिम तिथि 30 जून तक निर्धारित की गई है। विद्यालयों में आपूर्ति आदर्श आचार संहिता के बाद 5 जून से छात्र छात्राओं के बीच वितरण किया जाना है। धन्यवाद।